नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मुझे आप सभी स्टूडेंट को एक इंफॉर्मेशन शेयर करना है। इस वीडियो में मुझे आप सभी को नीट 2019 के जो टाइमिंग है वो शेयर करनी है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट टाइमिंग में कंफ्यूज हो रहे हैं। अब आप सब स्टूडेंट को यह तो पता होगा कि नीट 2019 के एग्ज़ाम जो है 2 PM से 5 PM तक है, लेकिन आपको एडमिट कार्ड में रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, गेट क्लोजिंग टाइम दिया गया है। ये दो अलग अलग टाइमिंग की वजह से स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इस वीडियो में मुझे आप सभी के साथ कुछ क्लेरिफिकेशन करना है रिपोर्टिंग टाइम को लेकर, गेट क्लोजिंग टाइम को लेकर और एग्जामिंग टाइम को लेकर। ध्यान रखिए, एग्ज़ाम टाइम यानी जो एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा 2 PM और ख़त्म होगा 5 PM तक। अब एग्ज़ाम से पहले आपको पहुंचना पड़ेगा एग्ज़ाम सेंटर पर, उसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पर बात करूँगा। तो रिपोर्टिंग टाइम जो है नीट 2019 के लिए है 12 PM रिपोर्टिंग टाइम दिए गए हैं। इसका यह मतलब है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाना है 12 बजे तक। ध्यान रखिए, आपका जो एग्ज़ाम है 2 बजे से ही होगा, लेकिन आपको पहुँचना पड़ेगा 12 बजे तक, ताकि आपकी चेकिंग हो सके, ताकि वहाँ पर बहुत सारे भीड़ ना हो और टाइम मिल सके चेकिंग के लिए। अब 12 बजे जो है आपको वहाँ पहुँच जाना है, पर यह कंपलसरी नहीं है कि आपको 12 बजे शार्प ही पहुँचना है। आपको टाइम मिल रहा है 1:30 तक, यानी 1:30 में आपका गेट क्लोजिंग टाइम दिया गया है। अगर आप 1:30 से पहले पहुँच जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एंट्री अलाउ हो जाएगी। लेकिन अगर आप 1:30 के बाद पहुंचते हैं तो आपका एंट्री अलाउ नहीं होगा और आपका जो एग्ज़ाम है वह छूट जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर के अंदर आपको 12 और 1:30 से पहले पहुंच जाना है, तभी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। सिंपल बातों में मैं यह कहूँ कि आपके पास काफ़ी समय है, 12 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है और 1:30 आपका क्लोजिंग टाइम है, गेट क्लोजिंग टाइम, जिसके बाद आप एंटर नहीं कर सकते। तो आपके पास बहुत समय है, आपको 1:30 से पहले वहाँ पर पहुँच जाना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इतनी सी खबर मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।